दोस्तों, वैसे तो श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में अपने सिंपल सिटी को लेकर काफी मशहूर है, लेकिन श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में ऐसे ऐसे कारनामे कर चुकी है जो उनके पिता और फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। श्रद्धा कपूर के ऐसे ही काले कारनामों के बारे में जानकर उनके फैंस हैरान रह गए थे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्रद्धा जितनी भोली भाली दिखती हैं, असल जिंदगी में वह कितनी भोली भाली है। दोस्तों, श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में जब से आई हैं, तभी से अपनी एक फिक्स इमेज के साथ काम करती हैं। श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर 80 से 90 के दशक के मशहूर विलेन रह चुके हैं। श्रद्धा की मौसी पद्मिनी कोल्हापुरी और तेजस्विनी कोल्हापुरी भी फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हैं। इसके अलावा सुर कोकिला आशा भोसले, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, ये सारे बड़े बड़े कलाकार श्रद्धा कपूर के रिश्तेदार ही हैं। श्रद्धा कपूर के बचपन का वातावरण फिल्मी माहौल का रहा है। इन्होंने अपनी पढ़ाई दोस्तों मुंबई से की थी। अगर इनकी क्लासमेट और जिगरी दोस्तों की बात की जाए तो आथिया शेट्टी, जो सुनील शेट्टी की बेटी हैं, और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, ये दोनों श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। 12वीं क्लास के बाद श्रद्धा कपूर बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गई, लेकिन अचानक श्रद्धा की किस्मत चमक गई। मतलब श्रद्धा को फर्स्ट ईयर के दौरान ही फिल्म ऑफर की गई जिसका नाम था तीन पत्ती, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म मिलते ही श्रद्धा को लगा कि अब उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धा को पहली फिल्म मिलते ही इतना घमंड आ गया जिस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दोस्तों, श्रद्धा ने तीन पत्ती फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ पहली बार काम किया था, लेकिन फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। फिल्म फ्लॉप हुई या फिर हिट हुई किसी को नहीं पता। इसके बाद 2011 में श्रद्धा कपूर की एक और फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था लव का दी एंड। ये फिल्म भी बहुत बुरी तरीके से पीटी गई। दोनों फिल्में फ्लैप और पढ़ाई भी ठप्प देखकर श्रद्धा बहुत परेशान थी। उनका करियर उस समय बहुत ही बुरी तरीके से थम गया था, क्योंकि श्रद्धा को जिसके ऊपर घमंड था, जनता ने उस घमंड को तोड़ दिया था। श्रद्धा को कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने डायरेक्टरों से मिन्नतें की सिफारिश की। तब जाकर श्रद्धा को एक फिल्म मिली, और वो भी 2 साल के बाद, यानी 2014 में, और ये फिल्म थी आशिकी 2। दोस्तों, श्रद्धा की किस्मत 2014 में ठीक वैसे ही खुली जैसे केंद्र में भाजपा की आशिकी 2 एक सफल फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने उस समय बहुत पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म से श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर दोनों ही रातों रात स्टार बन गए थे। इसी फिल्म के दौरान श्रद्धा का पहला अफेयर चला आदित्य रॉय कपूर के साथ। दरअसल प्यार हुआ तो फिल्म के सीन को शूट करते हुए, जो फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की ही तरह था। दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला। श्रद्धा की आशिकी 2 भले ही बड़ी हिट मूवी थी, इसमें श्रद्धा के नाम की तारीफ भी हुई, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा की तारीफ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। आशिकी 2 में जो श्रद्धा का रोल था, दरअसल लोगों को वह रोल पसंद आया था, वह कैरेक्टर पसंद आया था, जिससे उसकी तारीफ हुई थी ना कि एक्टिंग की। आशिकी 2 के बाद दोस्तों श्रद्धा की चौथी फिल्म आई एक विलेन। इस फिल्म में श्रद्धा का रोल एक शोपीस की तरह ही था, यानी कि श्रद्धा को इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इस फिल्म को सफल फिल्म बनाया रितेश देशमुख की फाड़ू एक्टिंग ने, क्योंकि इस फिल्म में श्रद्धा और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही नए थे। इसके बाद हैदर फिल्म आई और हिट रही, लेकिन यह फिल्म शाहिद कपूर की जबरदस्त एक्टिंग के बदौलत हिट हुई थी। इस फिल्म में भी श्रद्धा की कोई तारीफ नहीं हुई। श्रद्धा आदित्य का रिश्ता टूटने के बाद श्रद्धा ठीक वैसे ही डिप्रेशन में चली गई थी जैसे अमीर पिता की सुपुत्री ईरा अक्सर डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन जैसे उनके लाइफ में कोई नया बॉयफ्रेंड आ जाता है, भाई साहब तुरंत डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। ठीक श्रद्धा के साथ भी वही हुआ। डिप्रेशन में श्रद्धा को एक प्रेमी मिला था, वनराज झावेरी। वनराज और श्रद्धा की पहली मुलाकात वैसे तो बॉस्टन में एडमिशन लेने के दौरान हुई थी, लेकिन तब ये एक दूसरे को बस जानते थे। श्रद्धा को फिल्में मिलने के कारण वनराज जावेरी श्रद्धा पर अपनी नजर बनाकर रखता था। जैसे ही आदित्य ने श्रद्धा से रिश्ता तोड़ा, जावेरी ने श्रद्धा की जिंदगी में दस्तक दे डाली। वैसे आपको बता दें कि वनराज जावेरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि फेमस जावेरी ज्वेलर्स ब्रांड का मालिक का बेटा है। इन दोनों का अफेयर भी लगभग 2 साल तक चलता है, लेकिन श्रद्धा को जब 2 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली तो दोनों के रिश्ते में खट्टास पैदा होने लगी और रिश्ता टूट गया। वरना से रिश्ता टूटने के बाद मैडम श्रद्धा ने एक बार और फिर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर के साथ अपना चक्कर चलाया। दरअसल दोस्तों, फरहान श्रद्धा साल 2016 में एक फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे, और फिल्म थी रॉकोनन 2।
रॉकोनन 2 के दौरान ये बातें मीडिया में आने लगी थीं कि फरहान और श्रद्धा का अफेयर चल रहा है। दोनों पार्टीज और क्लब में एक साथ दिखने लगे थे। इसी दौरान जब फरहान श्रद्धा के रिश्ते की खबरें मीडिया में उठने लगीं, तो यह बात फरहान की पत्नी अधुना को भी पता चल गई, जिस वजह से अधुना फरहान से पूछती हैं कि मुझसे शादी करने के बाद भी किसी और लड़की के साथ उसने अफेयर क्यों बनाया। लेकिन फरहान कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अधुना से ललड़ाता और उसे मारता पीटता और 3 तलाक की धमकी देकर शांत कर देता। बहुत सहन करने के बाद अधुना समझ गई कि उसका रोल अब खत्म हो गया है। अधुना ने समय रहते फरहान अख्तर को खुद ही तलाक दे दिया और उससे अलग हो गए। वैसे दोस्तों, फरहान के रिश्ते टूटने की वजह श्रद्धा को बताया जाता है, लेकिन यहां फरहान भी कम नहीं था। एक घरवाली और एक बाहर वाली से जमकर मजे लेता था। हम यदि इनके तलाक की वजह श्रद्धा को बनाएं, तो यह भी नाइंसाफी होगी। फरहान और अधुना का रिश्ता टूटा तब उनके शादी के 16 साल हो चुके थे, लेकिन फराह ने एक और अफेयर चलाया। जब हुआ मीडिया में यह बात उछाले गए कि फरहान का तलाक श्रद्धा के कारण है, तो यह खबर शक्ति कपूर जी को भी पता चल गई। शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ कहा कि वह शादीशुदा लड़के को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो आदमी 2 बच्चों का बाप होकर 16 साल की शादी नहीं निभा सकता, तो वह तुमको कैसे रख सकेगा? या फिर क्या गारंटी है कि वह तुमसे रिश्ता जोड़कर किसी और लड़की को अपना शिकार नहीं बनाएगा? शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ शब्दों में कहा कि उन्हें उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जैसे श्रद्धा कपूर पर फरहान ने वशीकरण कर दिया हो। श्रद्धा अपने पिता की बातों को नकार रही थी और उसने एक और कदम उठाया, जहां वह श्रद्धा के साथ संबंध बनाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शक्ति कपूर को जब यह बात पता चली कि श्रद्धा कपूर फरहान के साथ लिव इन में रहने लगी है, तो वह एक दिन फरहान और श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंच गए। शक्ति कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी भी गई हुई थी, जो श्रद्धा की मौसी थी। शक्ति कपूर श्रद्धा को देखकर बहुत गुस्सा हो गए और उसका हाथ पकड़ा और घर से घसीट कर ले आए। कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने श्रद्धा से अपने और फरहान के बीच में किसी एक को चुनने को कहा था, जिसके बाद फरहान के प्यार से श्रद्धा के प्यार का भूत उतर गया और श्रद्धा ने फरहान को लात मार दी और माफी मांगकर पिता के साथ पिता के घर में रहने लगी। ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड हसीना पारकर, ये सारी फिल्में वह थी जिनमें श्रद्धा को काम मिला, लेकिन फिल्में श्रद्धा की एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2018 में आई फिल्म स्त्री से श्रद्धा को सफलता मिली। श्रद्धा साल 2016-17 से प्राइवेट पार्टीज में हिस्सा लेने लगी थी। 2015 से 2018 तक श्रद्धा की एक फिल्म भी सफल नहीं हुई। इस वजह से श्रद्धा और उनके परिवार के फिजूल खर्ची तो छोड़िए, जरूरत की चीजों पर भी खर्च करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि शक्ति कपूर को किसी भी फिल्म में कोई रोल नहीं मिलता, जिस कारण बेटी को फिल्मी दुनिया में उतारा था। श्रद्धा इस समय अपने घर में कमाने वाली एकमात्र सदस्य है और कोई भी सदस्य नहीं कमाता है। हालांकि श्रद्धा का एक भाई भी है जो 1-2 फिल्मों में दिखाई दिया था, लेकिन वह बॉलीवुड में ज्यादा नहीं चल पाया था, जिस वजह से ना तो उनको फिल्में मिलती हैं और अब तो वह फ्लॉप हीरो की लिस्ट में आ चुका है। श्रद्धा इन दिनों बॉलीवुड वालों की प्राइड पार्टीज में नाचने जाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। श्रद्धा न सिर्फ दारू पीती है बल्कि ड्रग्स भी लेती हैं, और ये बात शायद कभी भी सामने नहीं आ पाती अगर सुशांत सिंह केस में एनसीबी ड्रग्स मामले की जांच ना करती तो। दरअसल एनसीबी द्वारा ड्रग्स की जांच में एक ड्रग चैट काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें ड्रग पैडलर के अंदर श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल था, और यही वजह रही थी कि भोली सूरत वाली श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। जब श्रद्धा कपूर को ड्रग्स केस में पाया गया, तो एनसीबी श्रद्धा कपूर के साथ कई एक्टर्स, जिनमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती भी शामिल थे। उस समय एनसीबी स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। पहले एनसीबी ने छोटे नशेड़ियों को पकड़ा, उसके बाद थोड़े बड़े नशेड़ियों को, फिर तो क्या ए ग्रेड, क्या बी ग्रेड, क्या सी ग्रेड। इसी से पता चलता था कि दोस्तों, इन 3-4 गंजेढ़ी हीरोइनों के संपर्क में जितने भी बड़े कलाकार हैं, वो भी रडार पर आने वाले हैं। लेकिन सारा, श्रद्धा, दीपिका और रकुल के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एनसीबी पर हमले होने लगे थे। उन्हें बड़े बड़े ड्रग माफिया धमकी देने लगे थे, जिस कारण एनसीबी की रफ्तार थम सी गई थी। जिस समय इन मोहतरमा का नाम एनसीबी लिस्ट में आया, उस समय बॉलीवुड भी काफी पूरी तरह से हिल चुका था। श्रद्धा कपूर और उनके बाकी नशेड़ी सहेलियों के फोन, टैब, लैपटॉप जब्त कर लिए गए थे,
लेकिन उन्हें जब्त करने के बाद एनसीबी ने अब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और न ही कभी करेंगे। ये बात सही है कि एनसीबी ने कोर्ट में अपनी छानबीन के चार्जेस जमा कर दी हो। दोस्तों, श्रद्धा कपूर के अफेयर्स में चौथा नाम जुड़ा रोहन श्रेष्ठा का, जो कि एक फोटोग्राफर है और कभी इसे कुछ नाटकों में भी देखा गया है। रोहन श्रेष्ठा के साथ श्रद्धा का अफेयर चलते 3 साल हो गए हैं और जल्द ही शायद दोनों शादी करने वाले भी हैं। श्रद्धा यहां सारे काम करती हैं जो दूसरी अभिनेत्रियां करती हैं, लेकिन उन चालाक लोगों में से एक हैं जो बॉलीवुड मीडिया द्वारा जनता और अपने फैंस की नजरों में फेक इमेज बनाकर रखती हैं और हमारे सामने इस कदर संस्कार छलकाते हैं मानो जैसे इनसे बड़ा सभ्य संस्कारी किसी और क्षेत्र में नहीं पाया जाता। वैसे किसी को किसी की निजी जिंदगी में झांकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दोस्तों, सच छुपाए नहीं छुपता, किसी भी तरह वह बाहर आ ही जाता है। श्रद्धा कपूर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।